तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू क्लास 11th। आज से आपका भाई आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज तो भी आज जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो चैप्टर आपको रुला देगी। ये चैप्टर ही ऐसा बेड़ू, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट पैराग्राफ में सल्ली बता रही है कि एक कार्डबोर्ड है, मतलब एक फोटोग्राफ है, जिसमें वह दिखा रही है कि तीन लड़कियां हैं और उसमें से जो सबसे लंबी है वह उनकी मॉम है, और अगल बगल उनकी मॉम की कज़न है जो कि उनका हाथ पकड़ी है, और उस समय उसकी मॉम 12 साल की थी। जहाँ वे फोटो खिंचा रही हैं, मतलब समुद्र के किनारे, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिसके कारण उनके बाल उनके फेस में आ रहे हैं, और उनकी मॉम बहुत ही क्यूट और सुंदर दिख रही हैं। वे सब स्माइल कर रही हैं क्योंकि एक अंकल उनकी फ़ोटो ले रहे हैं। अब सरली बता रही है कि उनके जन्म से पहले उनकी मॉम का बहुत ही क्यूट फेस था। फिर बताती हैं कि फोटोग्राफ में यह भी दिख रहा है कि तीनों लड़कियां समुद्र के पास खड़ी हैं और समुद्र उनका पैर धो रहा है। फिर सरली बताती है कि समुद्र में अब तक तो कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन उन तीनों लड़कियों में बहुत से चेंजेस आ गए हैं। सेकंड पैराग्राफ में सरली बताती है कि जब फोटोग्राफ को लिया गया था, मतलब सरली के मॉम को जब 12 साल चल रहा था, उसके बाद 20 से 30 साल बाद उनकी मॉम फोटो देखकर हंसती थी और कमेंट भी करती थी बेटी और डॉली के ड्रेस पे। मतलब बेटी और डॉली उनके मॉम के कज़न थे। उनकी मॉम यानी ड्रेस को देखकर हंसती थी और उसी हॉलीडेज को याद करती थी। फिर सैली टॉल्सन बोलती है कि जिस तरह उनकी मॉम के लिए सी हॉलीडेज एक पास्ट था, उसी तरह उनकी मॉम की हंसी भी उसके लिए एक पास्ट है। यहाँ पर वह यह इसलिए बोलती है क्योंकि उनकी मॉम का डेथ हो चुका है। वह बोलती है कि जिस तरह उनकी मॉम को सी हॉलीडेज को पाना चाहती थी परंतु पा नहीं सकती थी, उसी तरह सैली भी अपनी मॉम की हंसी को पाना चाहती है परंतु पा नहीं सकती। दोनों ने ही एक लॉस से जीना सीख लिया है। पैराग्राफ में सरली इनडायरेक्ट बोलती है कि उनके मॉम को मरे उतना ही साल हो गया है जितना साल उस फोटो में लड़की के थे। इससे हम यह समझ सकते हैं कि उनके मॉम को मरे 12 साल हो चुके हैं। फिर लास्ट लाइन में सरली बताती है कि इस सिचुएशन पे उनके मॉम के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, चारों तरफ सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है। इसके साथ ही हमारा वीडियो ख़त्म होता है।